जय भीम। सभी अपने सुनने वालों को, जो भी ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जैसा कि असंग वज्र ने अभी प्रास्ताविक में बताया, मुझे सुझाव दिया गया था कि मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग पर कुछ अभ्यास लूँ। लेकिन मैंने ही सुझाया कि अभी फिलहाल बाबा साहब के बारे में चर्चा चल रही है और आपका अभ्यास हो रहा है, अलग-अलग विषय आपने देखे हैं, और उसी पर से मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब के ने बहुत कुछ लिखा है। सबसे फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर उनका इतना ढेर सारा राइटिंग एंड स्पीचेस से प्रसिद्ध हुआ है। उन्होंने पत्रिकाएं चलाई, मूक नायक, बहिष्कृत भारत वगैरह, सो काफी उनका लिखान है। लेकिन जिस दिन से मैंने इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस पहला जब उनका फर्स्ट जो ये खंड प्रकाशित हुआ राइटिंग एंड स्पीचेस का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से, और जब मैंने पहली बार उस लेख को पढ़ा, तब से वह लेख मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे एक अलग ही अनुभूति आती है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा साहब के संपूर्ण जीवन का या संपूर्ण उनने जो भी साहित्य लिखा है, उस साहित्य का सारांश जो है, या जिसको हम बीज कहेंगे, वह बीज इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस इनका भाषण कहिए, जात पात तोड़क के मंडल जो देना चाहते थे जो नहीं दे सके, और जो उन्होंने लिखित रूप में फिर बाद में छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया, तो मैं समझता हूं कि उनके संपूर्ण जीवन का, आंदोलन का, उनके कार्य पद्धति का, उनके सोच का ये सार है या बीज रूप में हमारे सामने उपस्थित है, ऐसी मेरी समझ बनी है जब भी मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ता हूं। शुरू से ही वो बड़े बहुत ही सटीक तौर पर अपनी बात को अब 1936 में लिखे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को ही लगभग जैसे ही ज्यादा दिन नहीं बीते थे, तो शुरू के मुझे लगता है जैसे ही उन्होंने अपना सामाजिक लाइफ शुरू किया, तो लगभग 10-15 साल के बीच में ही उन्होंने ये जो लेख है, ये लेख लिखा है। सो जैसा वो कम्युनल अवार्ड कहिए या पूना पैट कहिए, उसके बाद की ये बातें हैं, जो भी हो, तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब के ये जो सारभूत जो विचार है, जो बीज रूप में है, और उसी का मैं समझता हूं कि अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग बातों में उन्होंने उसको, एक एक मुद्दे को लेकर उन्होंने उसका विस्तार किया है, ऐसा मुझे समझता है। तो यह जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जैसा उसका एक शीर्षक ही है, नाम ही दिया है कि जाति का निर्मूलन, जाति का उन्मूलन, जाति का विच्छेद, जाति को नष्ट करना। और पिछले सप्ताह में भी जब मैं आपसे कुछ संबोधित कर रहा था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि इस देश की, इस भारतवर्ष की कोई प्रमुख, प्राथमिक और महत्वपूर्ण, जिसके तरफ सभी ने पूरी शक्ति लगाना है और ध्यान देना है, ऐसी कोई समस्या है, तो वह समस्या है
जाति की, जाति व्यवस्था की और जाति पर आधारित इस देश के समाज रचना की। यह सबसे प्रमुख समस्या है, क्योंकि आज भी हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद या 1950 में हम गणतंत्र हुए, लोकशाही प्रदान करके हमने अपने आप को स्वीकारा, और आज 2020 है, पूरे 70 साल हो चुके हैं हमें गणराज्य होकर, लोकशाही प्रधान देश होकर, तो फिर भी हमारे देश में लोकशाही केवल वोटिंग की और एक इलेक्शन प्रक्रिया के मात्र है। एक मंत्री या अपने प्रतिनिधि चुनने मात्र के लिए एक लोकशाही नाम का जो, या इलेक्शन प्रक्रिया के नाम सा है, लेकिन बाबा साहब के शब्दों में जो लोकशाही है वो लोकशाही अस्तित्व में नहीं। बाबा साहब ने जो कुछ भी इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है वह कब इस देश में अस्तित्व में आएगा वो कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अंबेडकराइट है, जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, वही इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितना समझते हैं, कितने उसके बारे में वो स्पष्ट है, उनके विचार स्पष्ट है, इसके बारे में मुझे बड़ी शंका होती है। सो इसलिए मुझे लगा कि एलुमनाय के बीच में मैं इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लेकर, अभी ऑनलाइन चल रहा है, लॉकडाउन है, सब घर में बैठे हैं, तो क्या वो हम जो एक घंटा समय निकाले हैं, तो क्या हम एक घंटा ये समय निकाल कर बाबा साहब के इस मूलभूत विचारों को क्या हम ठीक से समझने की चेष्टा कर सकते हैं, उसको हम गहराई से, चिंतन से उस पर सोच विचार कर सकते हैं, क्या हम इस ऑनलाइन एक विचार विमर्श की प्रक्रिया में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, हम आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, वह तो हमारा जीवन है बौद्ध जीवन करके, तो उसके बजाय जिस कारण बाबा साहब ने हमें ये बौद्ध धर्म दिया, उस कारण के तह में जाने की हमें जरूरत है, और वह कारण है हमारा बौद्ध बनने का, या बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनाने की सलाह देने का जो प्रमुख कारण है वह है इस देश की, प्राथमिक तौर पर इस देश की समाज व्यवस्था को संपूर्णतः आमूलाग्र तौर पर बदलना। और जो पुरानी समाज व्यवस्था है, जो जाति के आधार पर है, उस जाति के आधार पर की समाज व्यवस्था को जड़ मूल से नष्ट करना, इस बात के लिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया है। सो भले ही हम स्वयं को बौद्ध कहें, बौद्ध धर्म का आचरण करने की कोशिश करें, लेकिन हम बौद्ध क्यों बने हैं? बुद्धत्व प्राप्त करना एक आध्यात्मिक तौर पर एक वह बात तो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है ही है, लेकिन मनुष्य जीवन यह अपने आप में केवल अलग नहीं है। मनुष्य यह सामाजिक प्राणी है, समाज में जीता है, परिवार में जीता है, एक दूसरे के साथ मिलकर जीता है, तो वह कैसा जिए, इसके लिए बुद्ध की शिक्षा बहुत सटीक है। लेकिन बुद्ध ने जो काम किया है, बुद्ध ने भी कहा
कि जाति व्यवस्था नहीं है, जात को मानना गलत है, इंसान है, सभी इंसान है और सभी इंसान बराबर है, सभी इंसान विकास कर सकते हैं, बुद्ध की ये शिक्षा है। लेकिन बाबा साहब ने ये जो इस देश में हजारों सालों से जो जाति व्यवस्था दृढ़मूल हो गई है, उस दृढ़मूल जाति व्यवस्था को, और इतना ही नहीं तो भारत वर्ष कोई चार वर्णों में ही नहीं बटा है, कुछ गिने चुने जाति में भी नहीं बटा है, तो इस देश में हजारों हजारों जाति है, एक जात के बीच में भी कई उपजातियां है, और उपजातियों के बीच में भी व्यवहार में, एक दूसरे के प्रति व्यवहार में बदलाव है। और इस जाति व्यवस्था ने इस देश के इंसान को इतना, क्या कहेंगे, कौन से शब्द उपयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नीचे स्तर पर गिरा दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मानसिक तौर पर हम इतने नीचे गिरे हुए हैं कि हम उसको कौन से शब्दों में बयान करें, क्योंकि जाति के तहत ऊंच नीचता है, जाति के तहत एक दूसरे से भेद है, जाति के तहत असमानता है, जाति के तहत कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है बंधन है, जाति के तहत हम एक छोटे 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 हिस्सों में पूरी तरह से बट गए हैं। सो इस जाति व्यवस्था ने हमारे मानसिकता को इतने नीचे स्तर पर गिरा दिया है कि हम दूसरे इंसान को इंसान करके नहीं जानते। हमेशा का उदाहरण है, आप सफर कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, जब हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है, एक दूसरे का नाम पूछते हैं, नाम बताने से कोई संतुष्ट नहीं होता, सरनेम पूछते हैं, जब तक उसको नजदीक बैठे हुए इंसान की जात पता ना चले, तब तक इस देश का कोई भी इंसान अपने आप में सुरक्षित और संतुष्ट महसूस नहीं होता, वो स्वयं को बहुत अस्वस्थ महसूस करता है बैठे बैठे कि ये मेरे नजदीक बैठा हुआ आदमी की मुझे जात क्यों नहीं पता चल रही है। तो खोज खोज कर इधर उधर से कई सवाल पूछकर वो तब आश्वस्त होता है जब उसकी जात पता चल जाती है, और जाति से वो यह जानना चाहता है कि वो मेरे ऊपर है या वो मेरे नीचे है। बराबरी का तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाति से भी फिर उस जाति में जाएगा तो उसकी उपजात आ जाएगी और कई उपजातियां होंगी, तो बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जब वो अपना बराबरी के जाति में जाएगा तब उसको लगेगा कि हाँ, अब इसके गुण कितने हैं, इसके पास पैसा कितना है, इसके पास बेटे कितने हैं, इसके पास जमीन जायदाद कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमेशा ऊंच नीच की बात होगी, पवित्र अपवित्रता की बात होगी, ये सारी मानसिकता गलत हमारे दिमाग में इस देश के जाति व्यवस्था ने घुसा के रखा है और उसी तरह से हमें प्रशिक्षित और संस्कारित किया है। तो ये जो मूल ढांचा है इस देश का, जिस ढांचे के तहत हम जी रहे हैं, हम बौद्ध करके भी जी रहे हैं, मैं बहुत 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 पुण्यानुमोदन करता हूं अपने गुरु का, पूज्य उर्गेन संगरक्षित जी का, जिन्होंने त्रिरत्न की स्थापना की और त्रिरत्न के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण लिए हैं और हमारी समझ हमने विकसित किए हैं। तो इससे कुछ मात्रा में जो प्रचार हुआ है उससे हम इस मानसिकता से अपने आप को अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा आज भी मोटे पैमाने पर महाराष्ट्र में पूछने जाओ और आप कहो कि मैं बौद्ध हूं तो बोलेंगे कि तुम ये पर्टिकुलर जाति के,
उस बात को लेकर भी बहुत दुख होता है कि बौद्ध धर्म एक जाति में सिमट गया है। इसलिए अलुमनाय के माध्यम से कहिए, त्रिरत्न के माध्यम से कहिए, हमें यह कोशिश करनी है कि यह मानसिकता पूरी तरह से टूटे कि बौद्ध बौद्ध है, वह इंसान है, वह किसी जाति का नहीं है। और बौद्ध बताने से वो इसी जाति का है और उसी जाति का है, ऐसा कोई लेबलिंग ना हो। एनीवे, वो बात की बात है। हमारा मुद्दा है जो हम ये एक दिन में नहीं, हम कुछ सीरीज चलाएंगे, कब तक चलाएंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4 या 5 दिन में इसको समाप्त करने की। मिनिमम 5 दिन तो लगेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। हिंदी में भी इसका अनुवाद उपलब्ध है, आपके अपने भाषा में भी अनुवाद उपलब्ध है, क्योंकि कई भाषाओं में, कई भारतीय भाषाओं में इस बाबा साहब के लेख का या भाषण का अनुवाद हो चुका है। हर भाषा में इसका अनुवाद आपको मिलेगा। यदि इंग्लिश नहीं आता है तो आप जिस भाषा से है उस भाषा में इसको पढ़िए, और पढ़कर आप उसके जो प्रकरण वाइज है, सेक्शन वाइज जो है, सेक्शन वाइज सवाल निकालिए। इसलिए मैंने शायद आज सुबह ही मैंने असंग वज्र से कहा था कि एक मैसेज डाल दीजिए कि मैंने उन्होंने जो सॉफ्ट कॉपी भेजी है उसके अनुसार 7th सेक्शन तक मैंने पढ़ा है, और उनको भी पढ़ने के लिए कहिए, और उस पर से कोई सवाल हो तो उस सवाल को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो ये मेरा 15 मिनट का लगभग इंट्रोडक्शन हुआ। अब 15 मिनट जो भी मैंने पढ़ा उसको लेकर कुछ मुद्दे मैं आपको बताना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम आधा घंटा चर्चा करेंगे। आपको क्या समझा और हम क्या समझ रहे हैं, और किस तरह से इस बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को समझे। सो पहला मुद्दा है कि जाति व्यवस्था यह किसी ईश्वर निर्मित नहीं है। ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो ईश्वर निर्मित ऐसी कोई बात नहीं है। और जाति व्यवस्था भारत को छोड़कर संसार के किसी भी देश में नहीं है। जो भारत देश है उसी भारत देश में जाति व्यवस्था है, उसके अलावा किसी देश में नहीं है। यदि ऐसी होती, ये मानव इंसान की बात, मतलब इसकी बात होती, मानव वंश शास्त्र की बात होती, तो वो सभी जगह होती। लेकिन सभी जगह गरीब या धनी या क्या कहेंगे, एक बुद्धिमानी वर्ग या एक सामान्य वर्ग, इस तरह से भेद मिलेंगे। लेकिन ऐसी जाति व्यवस्था जो इस भारतवर्ष की एक यूनिक बात है, ऐसी व्यवस्था संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी। और यह व्यवस्था निश्चित तौर पर जैसा कहा गया है वह हिंदू शास्त्रों की देन है, वह वेदों की देन है, वह ब्राह्मणी धर्म की देन है। तो यह सबसे पहली बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि यह जो है, यह 4 वर्ण वेदों के तहत निर्माण हुए हैं, यह 4 वर्ण ब्राह्मणी धर्म के तहत निर्माण हुए हैं, और इसका कोई अन्य प्रमाण नहीं है। और चूंकि कहा गया है कि वेद ये अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, वो किसने लिखा है वो पता नहीं है, लेकिन किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, वो अपौरुषेय है और वो बियॉन्ड क्वेश्चन है।
उसके ऊपर कोई शंका नहीं ले सकता और उसके ऊपर कोई भी अपनी विरोध प्रकट नहीं कर सकता, उसके विरोध में कोई बात नहीं कर सकता, उसके उसके प्रति कोई शंका प्रकट नहीं कर सकता। वो अंतिम सत्य है और उसको जैसा का वैसा स्वीकारना है, ये वेदों की बात है। चूंकि जाति व्यवस्था वेदों निर्मित है, वो सभी ने मानना है, यह पहली बात है। सो पहला मुद्दा कि जाति व्यवस्था यह ब्राह्मणी धर्म और वेदों की निर्मित बात है, एक। दूसरी बात कही गई है कि जाति व्यवस्था से समाज सुचारू रूप से चलता है, जाति व्यवस्था से कामों का बंटवारा होता है और जो काम बटे हुए हैं वह जाति के काम सुचारू रूप से करते हैं तो गांव की रचना या समाज की रचना बड़े सुचारू रूप से और बड़े सामंजस्य रूप से चल सकती है। यह दूसरी दलील दी जाती है। तो इस तरह से ये दो दलीलों के तहत जाति व्यवस्था है। लेकिन मजे की बात है, कुछ संतों ने भी इसके ऊपर विरोध किया, जैसे कबीर जी वगैरह है, इन्होंने भी विरोध किया, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था बनी रही। कुछ भारतीय बुद्ध से लेकर कबीर तक कई ऐसे संत वगैरह हुए हैं इस देश में जगह जगह पर, जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन वो जाति व्यवस्था का विरोध करने के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संतों ने विरोध करने के बावजूद भी लोग जाति में बटे रहे, क्योंकि जितने भी इस देश में संत हुए वह संत समाज सुधारक नहीं रहे, समाज के बुराइयों को बताने की कोशिश करते रहे, यह बात जरूर है, लेकिन कोई भी संत ईश्वर के विरोधी नहीं रहा। कबीर जी भी हो तो राम और रहीम की बात करते रहे, महाराष्ट्र की संत परंपरा हो, वारकरी संप्रदाय हो जिसमें सभी जाति के लोग उस संप्रदाय से जुड़े रहे, फिर भी विठ्ठल और पांडुरंग छूटा नहीं। इसलिए इस देश की जाति व्यवस्था इतने संत होने के बावजूद भी बरकरार रही, बनी रही, क्योंकि लोग ईश्वर को मानते रहे। और फिर वही बात हुई है कि वेद जो है ईश्वर निर्मित है या नहीं है, अपौरुषेय है तो उसको मानना है, और वेदों के अनुसार ही ब्राह्मण इस पृथ्वी पर का ईश्वर ही है, वह भूदेव है, वह इस पृथ्वी पर का देव है। तो इस तरह से इस देश में समाज रचना को प्रस्थापित किया गया। सो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था या इस देश की समाज रचना यह कोई ईश्वर निर्मित नहीं है, यह वेदों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई हुई हमारे ऊपर बात है, इस देश के ऊपर थोपी गई हुई बात है और वह कड़ाई से लागू की गई है। कालांत शुरू में उतना उसको ये नहीं था छुआछूत पवित्रता अपवित्रता, लेकिन धीरे धीरे उसको पवित्र और अपवित्रता से जोड़ा गया कि तुम इस जाति के हो तो अपवित्र हो और इस जाति के हो तो पवित्र हो। सो कुछ बातें जो है, कुछ बातें जाति को लेकर जो भी आपने नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा है तो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली जो है कि जात यह जो संस्था है, मैं उसको संस्था को कि जात यह जो संस्था है यह बहुत ही भयप्रद और मनुष्य के प्रगति के लिए बहुत ही हानिकारक, भयप्रद भी है और हानिकारक भी ऐसी यह संस्था है।
तो पहली बात है कि जाति या संस्था या जाति व्यवस्था यह मनुष्य के प्रगति के लिए अत्यंत हानिकारक और भयप्रद है। दूसरी, यह जो सामाजिक जीवन है, सामाजिक जीवन का हमारा जो एक चैतन्य है उसको तोड़ती है, उसको विरोध करती है। तुम समाज के हो तो तुम वो पर्टिक स्पेसिफिक उपजाति में ही बंद कर रह जाते हो। तो इसलिए आज भी हम उस जाति के उपजाति के बीच में बंद कर रह जाते हैं। मुझे खेद होता है आज भी बताने में कि महाराष्ट्र में जो बौद्ध बने हैं वह पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शादी करते वक्त उपजाति की लड़की और उपजाति के लड़कों को ढूंढते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, इस तरह से लिखते हैं, बारके बौद्ध लिखते हैं, बावने बौद्ध। तो यह जो बातें हैं यह बहुत ही नीची मानसिक अवस्था प्रदर्शित करती है कि हम कितने उपजाति में फंसे हुए हैं बाबा साहब का नाम लेते हुए, और बाबा साहब का नाम ही नहीं लेते हैं तो बारके बौद्ध और बावने बौद्ध लिखकर वो बौद्ध धर्म की विटंबना भी करते हैं, उसको भी व्यंगात्मक रूप देते हैं। तो यह जो बात है यह एंटी सोशल स्पिरिट की बात है कि हमारा जो एक सामाजिक दायरा है, हम किसी से भी समाज के तौर पर, मानव समाज के तौर पर जो मिलने की बात है वह हम विरोधी बन जाते हैं। तो यह एक अत्यंत बेकार की बात है। तो यह एंटी सोशल स्पिरिट है उसका। और दूसरी बात है, एक जाति अपने ही जाति के बारे में सोचती है और एक जाति हमेशा दूसरे जाति की बुराई करते रहती है या दूसरे जाति को लेकर देती है। और उतना ही नहीं, तो मेरे जो लॉयल्टी होती है वो मेरे जाति से संबंधित होती है, ऐसे लोग मानते हैं कि मैं इस जात का हूं तो मेरी जाति इससे होती है, मैं उस जाति से ही सीमित हो जाता हूं। तो जो कुछ भी होता है वह हमारी मानसिकता, हम जाति से सीमित हो जाते हैं तो हम एंटी सोशल बन जाते हैं, असामाजिक तत्व हमारे अंदर घुस जाता है। वो मेरे जाति का नहीं ना, तो फिर मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं, उसका कुछ भी हो जाए। वो मेरे जाति का है हाँ, तो मेरे को कुछ लगेगा। तो इस तरह से यह एक एंटी सोशल स्पिरिट बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्यरत है। और यह जो होते हैं एक प्रकार के अपने अपने ग्रुप और अपने अपने गुट, अपने अपने समूह, तो एक समूह और गुटबाजी, हमारे अंदर गुट प्रवृत्ति बहुत मजबूत हो जाती है। तो यह बहुत ही इंसान के प्रगति के लिए हानिकारक है, गुट प्रवृत्ति, असामाजिक तत्व, और यह जो उन्नति के लिए हानिकारक और भयप्रद ऐसी संस्था है। तो ऐसे मैं बात बताता हूं। और दूसरी बात, इसका कोई वैज्ञानिक ऐसा कारण नहीं मिलता। आज हम वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल युग में जी रहे हैं, सो जाति व्यवस्था का कोई भी वैज्ञानिक या साइंटिफिक मूल ऐसा नहीं दिखता कि ये इसका साइंटिफिक कारण है और इस साइंटिफिक कारण से ये जाति व्यवस्था निर्माण हुई है। तो इस तरह से कोई भी जाति व्यवस्था का साइंटिफिक ओरिजिन नहीं है। और इस जाति व्यवस्था ने भारतवर्ष के लोगों को डिसऑर्गेनाइज्ड किया है और साथ ही साथ डिमोरलाइज भी किया है, क्योंकि वह मेरे जाति का नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। जो आज देख रहे हैं
जो असंग वज्र ने बताया कि एक विशिष्ट जाति वर्ग के लिए मदद हो रही है लेकिन मजदूरों के लिए कोई मदद नहीं है, क्योंकि मजदूर एक पर्टिकुलर जाति के होंगे, वो मरे या जिए कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह से अनह्यूमन और एक अनैतिक व्यवहार की बात हमारे मन में तैयार हो जाती है। तो इस जाति व्यवस्था ने इंसान को अनैतिक बनाता है, यह जाति संस्था डिसऑर्गेनाइज बनाता है। तो हम जाति के आधार पर ही ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, जाति के आधार पर ही ऑर्गेनाइज रह सकते हैं। आज पूरा इस देश का राजकीय तंत्र जाति व्यवस्था पर चलता है। कौन किस जाति का है उसी के अनुसार उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। किस जाति का कहां ज्यादा प्रभाव है उसी जाति का उम्मीदवार और उसी जाति के प्रभावशील व्यक्ति को लेकर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया जा सकता है। तो इस जाति का राजतंत्र भी पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया है, जाति में बट गया है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन राजतंत्र जाति तंत्र हो गया है। इस देश का लोकशाही तंत्र नहीं, जाति तंत्र बनते जा रहा है और वो बनने के पूरी तरह से कगार पर हो गया है। सो ये जाति व्यवस्था से कोई हट नहीं रहा। तो यह इस तरह से यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस जाति संस्था ने इस देश के लोगों को जाति जाति में बांट दिया है, डिसऑर्गेनाइज्ड बनाया है। हम ऑर्गेनाइज हो नहीं सकते, हम भारत वर्ष करके, भारत देश करके एक संघ नहीं हो सकते, और हम अनैतिक हैं और अनैतिक बनते जाते हैं। जब भी हम जाति की व्यवस्था में आते हैं हम अनैतिक बनते जाते हैं। सो इस तरह से इस जाति व्यवस्था ने हमारे मानसिकता को एकदम निचले स्तर पर लाकर छोड़ दिया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह निचले स्तर पर आ गया है। हम तभी इकट्ठा होते हैं, इस देश का वर्ग तभी इकट्ठा होता है सांप्रदायिक तौर पर, जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो तब सारी जाति हिंदू के नाम पर एक होती है, मुसलमान को अलग, धर्म के नाम पर एक होते हैं। तो वो जाति बोलते हैं ये हमारे धर्म का नहीं है, हम हिंदू धर्म के हैं। तो हिंदू ये जो शब्द है, हिंदू ये शब्द इस देश में अफगान और मुगल आने के पहले, मतलब 11वीं शताब्दी के पहले किसी भी संस्कृत ग्रंथ में हिंदू ये शब्द नहीं मिलता है। हिंदू ये शब्द 12वीं शताब्दी के बाद की देन है, जो बाहर से आए हुए मुसलमान लोगों के विरोध में निर्माण किया गया तंत्र। तो इसलिए हिंदू ये अपने आप में कोई एक बात ही नहीं है। इसलिए जैसे हम किराने का दुकान कहते हैं कि किराने के दुकान में किराने की कोई चीज नहीं होती, सब चीजें होती है जो एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाती, उसी तरह से ढेर सारी जाति है जो एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाती, इंसान के तौर पर मेल खाती है लेकिन अपनी 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 जो बातें हैं वो कोई मेल ना खाने वाले, ऐसी जाति व्यवस्था हिंदू नाम से चिपक गई। तो केवल एक ही बात पर ऑर्गेनाइज होते हैं, जब मुसलमानों के विरोध में कुछ करना हो, तो अन्यथा यह अपने आप में पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसा ये देश है। तो इसलिए हिंदू ये शब्द ही एक दंत कथा है, हिंदू धर्म ही एक दंत कथा का धर्म है। एनीवे, बाबा साहब ने इसको बहुत ही अच्छा शब्द दिया है जाति व्यवस्था को, और जाति व्यवस्था के तहत जीने वाले इंसान को, वो कहते हैं कि जैसा चूहा अपने बिल में रहता है और जितने चूहे उस बिल में रहते हैं उतनी ही वो उनकी जाति हो गई, उसी तरह इस देश के लोग चूहे के मानसिकता के तरह हो गए हैं।
कि उनकी चूहे की मानसिकता है कि हमारा इतना ही छेद है और इतने ही छेद में हम इतने ही लोग रहेंगे। तो इस तरह से जाति उपजाति में बटकर हम अपने आप को चूहे के स्तर पर स्वयं को हमने उतार दिए है। सो मुझे लगता है यह हो गई जाति की बात। सो बाबा साहब ने क्या कहा है? बाबा साहब ने कहा है, और उन्होंने जातपात तोड़क मंडल का निमंत्रण भी इसलिए उन्होंने स्वीकारा था कि नाम से ही जातपात तोड़क मंडल है, जात को तोड़ना चाहता है, जाति पाति को तोड़ना चाहता है, जाति उपजाति को तोड़ना चाहता है। इसलिए बाबा साहब ने ये प्रयास करके लेख लिखा, भाषण लिखा उनके स्टेज पर देने के लिए। तो बाबा साहब बोलते हैं कि हिंदू के स्टेज पर जाकर मुझे कोई खुशी नहीं थी, लेकिन मैंने वो काम इसलिए किया कि जो मेरा काम है वही उनका काम है। वह जातपात तोड़ना चाहता है और मैं इस देश के समाज का रूपांतरण करना चाहता हूं। इस समाज देश की जो समाज रचना है उसको मैं आमूलाग्र तौर पर बदलना चाहता हूं, वह मेरा ध्येय है। तो हमारे ध्येय एक होने की वजह से मैंने वो निमंत्रण स्वीकारा है। सो बाबा साहब सोशल रिफॉर्मेशन चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सोशल रिफॉर्मेशन के बगैर कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, एजुकेशन रिफॉर्मेशन, कोई भी रिफॉर्मेशन संभव नहीं है। ये बाबा साहब का मत है, और मुझे लगता है यह बाबा साहब का मत इतना पक्का है जैसे पत्थर पर लकीर, कि जब तक इस देश का सोशल रिफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक इस देश का कोई भी रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, रिफॉर्मेशन करने के लिए ढेर सारे बिल भी ला सकते हैं, ढेर सारे कानून बना सकते हैं, लेकिन वो रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक सामाजिक रिफॉर्मेशन नहीं होता। और सामाजिक रिफॉर्मेशन के लिए ही बाबा साहब ने पूरे आंदोलन किए हैं। महाड़ का सत्याग्रह, चौदार तालाब का सत्याग्रह, यह दिखाने के लिए कि जानवर पानी पी सकता है, हम जानवर से नीचे है ऐसा तुम मानते हो, हम हिंदू समाज के कैसे घटक हो सकते हैं, हम हिंदू समाज का कैसा हिस्सा बन सकते हैं कि जिस तालाब का पानी सारे लोग पिए लेकिन उस तालाब का पानी छूने के लिए हमें मना किया जाए, और जब हम पानी पीते हैं तो गाय के गोबर और मूत्र से उस पानी को शुद्ध किया जाए तो हम गाय के गोबर और पानी से भी नीच है। यह इस समाज के सामने दिखाने के लिए, इस समाज को दिखाने के लिए कि देखो तुम जिसको जिस समाज का हिस्सा समझते हो वह समाज तुम्हें कितना नीच समझता है। तो जन जागृति के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किए, और यह दिखाने के लिए यह सोशल रिफॉर्मेशन का पहला हिस्सा था बाबा साहब। कालाराम मंदिर की भी वही बात थी कि तुम ईश्वर के पुत्र मानते हो, तुम हरिजन मानते हो, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं मानते, वह तुम्हें देव का दर्शन नहीं लेने देते, वह मंदिर तुम्हारे किस काम का। सो बाबा साहब के जो आंदोलन रहे सारी जिंदगी भर, बाबा साहब ने आंदोलन नहीं किए, बाबा साहब ने कुछ बहुत गिने चुने आंदोलन किए, और गिने चुने आंदोलन से यही सिखाने की कोशिश की अपने समाज को कि तुम सीखो, तुम समझो कि तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, इस समाज रचना में तुम कहां फिट हो, इस समाज रचना में तुम्हारी स्थिति क्या है, यह दिखाने के लिए बाबा साहब के आंदोलन थे। सो इसलिए बाबा साहब का सोशल रिफॉर्मेशन यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा था, और वह चाहते थे कि यह सोशल रिफॉर्मेशन जो है, यह समाज रचना जो है, यह समाज रचना
काहे पर आधारित है? किसी भी देश की समाज रचना जो है वो काहे पर आधारित है? वह आधारित है धर्म पर। धर्म उसका मूल है। धर्म सत्ता ये सर्वोत्तम सत्ता है और सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं, और यह हमारी हकीकत है, इस देश की हकीकत है। कि कितना भी पढ़ा लिखा होगा, कितना भी इंटेलेक्चुअल होगा, कितना भी धनी होगा, वो मंदिर के पुजारी के सामने, वो ब्राह्मण के सामने, वो उस मुल्ला के सामने, वो मौलवी के सामने झुकता है। फकीर के सामने, जो कुछ भी जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसके सामने झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि फकीर धार्मिक है, उसके पास धर्म है। सो बाबा साहब जानते थे, या उनको यह मत था कि यह जो कुछ भी समाज रचना है, यह समाज रचना धर्म के आधार पर है। यह धर्म के आधार पर ही समाज रचना टिकी हुई है। सो जब तक सोशल रिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए धार्मिक रिफॉर्मेशन जरूरी है, धार्मिक आंदोलन जरूरी है और धर्म जरूरी है। तो यह जो बात है, यह बात सबसे पहले समझने की जरूरत है कि सोशल रिफॉर्मेशन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सोशल रिफॉर्मेशन के लिए धार्मिक आंदोलन और धार्मिक रिफॉर्मेशन जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने इसी चैप्टर में, जो आज का मेरा मुख्य विषय है, मुख्य मुद्दा है, और अपने सभी के चर्चा का मुद्दा है, ये सब बताने के बाद, वह यह मुद्दा है कि पूरे इतिहास का अभ्यास करते वक्त बाबा साहब ने यह दाखला दिया, ये बताने की कोशिश की कि चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य स्थापन हुआ, उसके पहले बुद्ध की धर्म क्रांति हुई। बुद्ध के धर्म क्रांति का लाभ चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य स्थापना में हुआ। सो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन या राजकीय सत्ता, बुद्ध ने जो धर्म के तत्व पर समाज रचना किया, समाज का रिफॉर्मेशन किया, उसके आधार पर चंद्रगुप्त साम्राज्य निर्माण हुआ, मौर्य साम्राज्य आया। शिवाजी का हिंदू स्वराज्य, स्वराज्य स्थापन हुआ, वह स्वराज्य स्थापन होने के पहले 12वें शताब्दी से इस देश में संतों ने समाज व्यवस्था को प्रचारित किया, समाज व्यवस्था का रिफॉर्मेशन किया, समाज को प्रबुद्ध किया, तब शिवाजी का साम्राज्य स्थापित हुआ। सिखों का रूल स्थापन हुआ, सिखों का साम्राज्य आया, उसके पहले गुरु नानक ने समाज रचना की, गुरु नानक ने समाज प्रबोधन किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने पाश्चात्य उदाहरण भी दिए, अरब स्थान का भी उदाहरण दिया कि प्रॉफेट मोहम्मद, मोहम्मद ने जब धर्म बताया, धर्म के तहत समाज की रचना की, तब अरबों का साम्राज्य स्थापन हुआ। तो इस तरह से कई उदाहरण बाबा साहब ने दिए। तो उन्होंने यह बताने की कोशिश दी कि धर्म यह सर्वश्रेष्ठ सत्ता है, और सोशल रिफॉर्मेशन किए बगैर कोई भी राजकीय रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। आज हमारी राज्य घटना दांव पर लगी हुई है, क्योंकि हमने केवल राज्य घटना बदली है, हमने सोशल रिफॉर्मेशन नहीं बदला, सोशल रिफॉर्म नहीं किया। 70 साल के बाद भी हमारी समाज व्यवस्था जैसी की वैसी जाति पर टिकी हुई है। इसलिए
आज हमारी राज्य घटना दाव पर लगी हुई है। तो यह हमें ध्यान में रहना है कि कोई भी इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन नहीं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कोई भी बात सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक सोशल रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सोशल रिफॉर्मेशन फंडामेंटल है, और सोशल रिफॉर्मेशन किसके आधार पर होना है, तो सोशल रिफॉर्मेशन ये धार्मिक आधार पर होना है, और वह धर्म केवल बुद्ध धर्म है जो आपने 8 महीने तक पढ़ा है। तो क्या आप ये समझते हैं, बाबा साहब के इस मुद्दे को समझते हैं कि धर्म और बौद्ध धर्म सोशल रिफॉर्मेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? इसलिए बाबा साहब ने स्वयं कहा था कि हमने शासन करती जमात होनी चाहिए, लेकिन उसका गलत उपयोग करते हुए या उसका गलत अर्थ समझ लेकर हमारे जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, पहले हमारे हाथ में सत्ता चाहिए, पहले हमारे हाथ में सत्ता चाहिए, पहले हमारे हाथ में सत्ता चाहिए, ऐसा नारा देते हुए घूम रहे हैं और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। जो सत्ता में बैठता है इंडिविजुअली अपनी झोली भर लेता है, समाज जैसा का वैसा, और जहां है वही है, उसी जाति में है, उसका कोई पुनर्रचना नहीं हुई। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि रिलीजन इज द पावर, रिलीजन इज द टूल टू रिफॉर्म द सोसाइटी। और इसी मुद्दे को लेकर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को साधन के स्वरूप में उपयोग किया कि इस देश की संपूर्ण समाज रचना बदलने के लिए बौद्ध धर्म ये टूल है जो स्वतंत्र समता बंधुत्व को मानता है। वो हम बाद में बात करेंगे। आज हमारा प्रमुख मुद्दा है, क्या आप इस बात को मानते हैं बाबा साहब की ये जो फंडामेंटल या बाबा साहब का ये जो मूलभूत है कि सोशल रिफॉर्मेशन इज द प्रायोरिटी, ये अहम है, सोशल रिफॉर्मेशन इज द प्रायोरिटी, ये प्राथमिक बात है कि हमारे समाज की पुनर्रचना हो, और वह समाज की पुनर्रचना धर्म तत्व के आधार पर हो, बुद्धिज्म के आधार पर हो, क्योंकि धर्म यह सत्ता है, धर्म यह सुप्रीम पावर है, और सोशल रिफॉर्मेशन हुए बगैर, समाज रचना बदले बगैर हमारा कोई इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, हमारा कोई पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। बाबा साहब के ये जो मूलभूत बातें हैं, इस बातों से आप कितने सहमत है, इसके ऊपर आज हम चर्चा कर सकते हैं। तो सॉरी, मैंने कुछ 10